दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं कि कितने लोग जो है बचे हुए थे उनका ज्वाइनिंग का प्रोसेस आखिर जो लोकसभा का इलेक्शन था उसके बाद स्टार्ट हुआ है या अभी नहीं हुआ है, क्या कॉल आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बेल्ट्रॉन BPSM के 2131 अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, जिनमें से आधे से अधिक का जो नियोजन हो गया था, ज्वाइनिंग दे दिया गया था, अभी भी उसमें 500 से 600 जो ऐसे अभ्यर्थी है जिनका ज्वाइनिंग जो है वो नहीं हो पाया था। बीच में दोस्तों लोकसभा का इलेक्शन आ गया जिसके कारण जो है वो बिल्कुल ही रोक दिया गया था, जो भी वैकेंसी आने वाली थी वो या फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस था सारा का सारा जो है वो दोस्तों क्लोज कर दिया गया था, रोक लग गया था आचार संहिता के कारण या जो भी लोकसभा का इलेक्शन था जिसके कारण। तो दोस्तों जैसे ही ये लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ तो ये ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस था BPSM 2131 जो अभ्यर्थी थे उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मन में जो है वो बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं कि ये पैनल रद्द कर दिया जाएगा या फिर ज्वाइनिंग देगा या नहीं देगा, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन भी दोस्तों 2024 के लिए बेल्ट्रॉन जो है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो करवा चुकी है। तो आप लोगों के मन में जो भी डाउट है वो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। हम ऑफिशियल जो ज्वाइनिंग लेटर है और डेट वाइज आपको बताएंगे कि इस डेट में जो है वो दोस्तों ज्वाइनिंग हो रहा है और बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि जिसका जो पैनल बन गया है उसको थोड़ा सा ये डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस को लेकर के आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है कि जिस जिला में जहाँ पे वैकेंट सीट होगा वहाँ पे जल्दी ज्वाइनिंग दे दिया जा रहा है और जिस जिला में रिक्तियाँ यानी पोस्ट जो है वो खाली नहीं है तो वहाँ के अभ्यर्थियों को जो है वो दोस्तों इंतज़ार यानी वेट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों चलते हैं हम, जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है वो 18 तारीख के यानी परसों के डेट में जो है वो 18 जून को जो है वो दोस्तों ज्वाइनिंग दिया गया है उसकी ओर फिर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कब तक जो है वो ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको जो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दिख गया होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। बिहार स्टेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ये बेल्ट्रॉन का जो है वो दोस्तों ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर है और यहाँ पे इसका पत्रांक देख सकते हैं और दिनांक यहाँ पे आप देख सकते हैं 18/6/2024 यानी 18 जून का जो है ये परसों का जो है वो ज्वाइनिंग लेटर है। इसमें आपको जो सेवा में यहाँ पे देख सकते हैं विशेष सचिव आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो उसमें टोटल 11 अभ्यर्थी को जो है वो ज्वाइनिंग दिया गया था यहाँ पे सरदार पटेल भवन नेहरू पद बिहार पटना और यहाँ पे विषय देख सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत परिसारिक दर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराने जाने के संबंध में जो है वो दोस्तों ये दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आप देखिए कि उपर्युक्त विषय आपदा प्रबंधक का जो पत्रांक और दिनांक था उसके आलोक में है 11 जो है वो 111 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के विरुद्ध जो है वो निर्देशानुसार निम्नांकित यानी 18 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो है वो किए जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके द्वारा जो है वो टोटल 111 DO की मांग किया गया था, उसके विरुद्ध जो है वो मात्र 18 DO के जो है वो प्रतिनियुक्ति ये परसों के डेट में 18 तारीख के डेट में जो है वो दोस्तों करवाया जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके, क्रम संख्या यहाँ दिख जाएगा, यहाँ आपको क्रम संख्या डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, पिता का नाम, एम्प्लॉय ID, पोर्टी संपर्क जो है वो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और प्रतिनियुक्ति का स्थान यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर में ये नाम और इसका जिला आपदा आपातकालीन संसाधन केंद्र बेगूसराय इस तरह से
भोजपुर भोजपुर, दरभंगा दरभंगा दरभंगा, जमुई जमुई, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर, इस तरह से पूर्णिया हो गया पूर्णिया जिला, समस्तीपुर समस्तीपुर समस्तीपुर, यानी टोटल जो है वो ये 18 DO की जो है वो प्रतिनियुक्ति अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दोस्तों करवाया जा रहा है ये परसों के डेट में। तो ये ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और अपने ज्वाइनिंग का फोन पे कॉल का जो है दोस्तों आप इंतज़ार कीजिए। श्योर रहिए कि आपका ज्वाइनिंग जो है वो बिल्कुल ही होने वाला है और बहुत जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट दोस्तों ये ज्वाइनिंग लेटर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट पटना की ओर से जो है वो उसमें ज्वाइनिंग दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईपी सिन्हा, श्री वाईपी सिन्हा एडवोकेट जो थे, जनरल ऑफिस इन चार्ज, ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट पटना। तो ये हाई कोर्ट पटना में जो है वो दोस्तों 3 DO की, यहाँ देख सकते हैं महाधिवक्ता कार्यालय बिहार उच्च न्यायालय पटना। तो इस तरह से ये 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो हाई कोर्ट में ज्वाइनिंग दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रभारी अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल पटना, इस तरह से ये आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो उसमें जो है वो यहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल पटना उसमें एक DO की ज्वाइनिंग करवाया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देख जाएगा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय AKU परिसर मीठापुर पटना, यानी ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है उसमें जो है वो दोस्तों मीठापुर इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें जो है वो 3 DO डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो नियुक्ति किया गया है। ये भी दोस्तों 18 तारीख के डेट में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण छपरा में जो है वो दोस्तों 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है वो नियुक्ति किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये 18 तारीख के यानी 18 जून के डेट में और कुछ जो है वो 19 के डेट में जो है वो ज्वाइनिंग दिया गया है। तो जिनका भी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है वो अभी बिल्कुल ही नहीं घबराए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और आप लोग का जो है ज्वाइनिंग जो है बहुत जल्द करवा लिया जाएगा, ताकि बेल्ट्रॉन को जो न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका भी प्रोसेस करने के लिए जो है वो समय होना चाहिए। तो उसके लेकर के बेल्ट्रॉन चाहेगा कि जल्द से जल्द जो भी बचे हुए 21 से 31 अभ्यर्थी हैं उनमें से सभी को ज्वाइनिंग दे करके और वो फिर न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को एग्जाम लेगा, शेड्यूल करेगा, जो भी जो है वो अपना तैयारी में जुट जाएगा। तो इस तरह से जिनका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हम बहुत जल्द, अगर ज़्यादा जॉब की नीड है आवश्यकता है तो आपको बेल्ट्रॉन ऑफिस जा करके, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रिफ्रेंस आप दिए हुए थे वहाँ आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और वहाँ उनको एप्लीकेशन में दर्शा दीजिए कि हमको जॉब की नीड है आवश्यकता है, आप हमको कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ वैकेंट सीट है वहाँ हमको ज्वाइनिंग देने की कृपा की जाए। तो इस तरह से अगर आप देते हैं तो जहाँ भी जल्दी होगा सीट खाली होगा वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी है वो करवा चुका है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा जॉब की नीड है आवश्यकता है तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए बेल्ट्रॉन ऑफिस में और वहाँ से आप लिख दीजिएगा कि हमको कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ भी हो जहाँ सीट खाली है वहाँ हमको प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए। तो इस तरह से आपका ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आप डिस्ट्रिक्ट प्रिफ्रेंस सेलेक्ट किए थे वहीं हमको ज्वाइनिंग हो तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और जैसे ही आपके ज़िला में जो डिस्ट्रिक्ट प्रिफ्रेंस आप चूज हुए थे वहाँ पे वैकेंट सीट आएगा तो सबसे पहले आपको कॉल करके और बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दे दिया जाएगा, फिर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपके मन में कोई भी डॉट या दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये लेटर चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।